देखिए काम जिस तरीके से होना चाहिए, 19 और कंसर्न्ड अबाउट माय वर्ड, 19 और 20 अटैच्ड है, 20 से अटैच्ड है और वो बहुत लो एरिया हो चुका है। एक दिन का ये नहीं है, ये सालों साल से काम नहीं होने के कारण छोटे छोटे सेवरेज लाइन्स बंद हो चुके हैं, कूड़ा से जाम हो चुके हैं। जो सेवरेज लाइन जैसे गंगाराम बैरागी लाइन का है, हन्नान होटल वशुद्दीन में फ्लो ऑफ वाटर ऊपर से है, पूरा नीचे माल जमा हुआ है, तो ये सैनिटाइजेशन वो करना पड़ेगा। उसमें आपको नीचे लेयर को बांध उसमें वर्क ऑर्डर के हिसाब से आपको काम करना पड़ेगा। कॉन्ट्रैक्टर साहब को देखना पड़ेगा कि जो काम कैजुअली जो होता था हर साल नहीं करना होगा, वाटर लॉगिंग के लिए स्पेशल काम करना होगा। हमेशा सफाई कट और सफाई के साथ साथ आपको ये देखना होगा कि आपका जो काम है, आपको जो कॉन्ट्रैक्टर को जो इस बार वाटर लॉगिंग के लिए जिस पे चीफ मिनिस्टर साहिबा बहुत सीरियसली कंसर्न है, एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू में बोलिए कि ये एक फेज दो फेज थर्ड फेज काज चलते तो काज होबे बोल ले तो वो जहाँ जहाँ वो काम अपना जिम्मेदारी अपना बांट चुके, जिम्मेदार लोग गैर जिम्मेदार है, वहाँ काम नहीं हो रहा है। और जिस तरीका से पैसा आ रहा है वो पैसा अगर पूरा खर्चा किया जाए तो काम हो का एक हिस्सा लगा रहता है, अब एक क्या एक दो हिस्सा लगा रहता है। अगर नहीं अगर लिया जाए और अगर ऑनेस्टली काम किया जाए तो काम जितना पैसा आया है सारा काम सारा प्रॉब्लम 75% प्रॉब्लम। लास्ट वीक मीटिंग में कॉरपोरेशन में ये पता चला कि 20% भी अभी टिकिया पाड़ा का 19-20 का काम नहीं हुआ है। कि कोई अकेला आगे सुनना चाहता तो मेरे पास आके। आदाब दोस्तों, आप सभी का जनता टीवी हिंदुस्तान में स्वागत है। मैं इस वक्त सेंट्रल हावड़ा के टिकियापाड़ा में हूँ और आप जैसा कि जानते हैं यहाँ जो सबसे बड़ा मसला है वो वाटर लॉगिंग का है और उस मसले को लेकर यहाँ पर एडवोकेट मोहम्मद आरिफ साहब लगातार कोशिश करते रहे हैं और उन्होंने सैकड़ों लेटर लिखा है ऊपर से लेकर नीचे तक और यही वजह है इन कोशिशों की वजह से ऐसा लग रहा है कि यहाँ इंतज़ामिया थोड़ा सा हिली है और उन लोगों ने थोड़ा बहुत काम शुरू कर दिया है और इसी से घबरा कर ऐसा लगता है कि यहाँ पर एक बार तृणमूल कांग्रेस और एक बार सीपीआई में यहाँ पर इसी सिलसिले को लेकर वाटर लॉगिंग के मसले को लेकर एक मीटिंग की। इस सिलसिले में हम बात करेंगे कि आरिफ साहब ने ये सारा काम कैसे किया है और इनका इस बारे में क्या कहना है। आरिफ साहब ये बताइए कि जो आज हालात है टिकियापाड़ा का और वाटर लॉगिंग का मसला अभी तक हल नहीं हो पाया, इसके बारे में आपका क्या कहना? बहुत बहुत शुक्रिया जावेद साहब, आप मेरा इंटरव्यू इस वक्त इस हालात में लेने का। आपको जैसे पता होगा कि ये सालों साल का एक दिन का ये प्रॉब्लम नहीं है वाटर लॉगिंग का, सालों साल से ये वाटर लॉगिंग का प्रॉब्लम टिकियापाड़ा वाले झेल रहे हैं और टिकियापाड़ा के साथ साथ पूरे हावड़ा रीजन इससे परेशान है, जूझ रहे हैं। प्रॉब्लम यह है कि इसका हल निकलना चाहिए, इस मसले को सीरियसली लेना चाहिए, इस पर काम करना चाहिए। अगली जो पिछली पार्टी जो काम नहीं कर सकी है, जो सरकार फेल हो चुकी है, हम उसका गुण ना गाकर हम अपना काम करें ताकि फिर से हम इस्टेब्लिश कर सकें अपने आप को और ज़्यादा ज़्यादा दिन हम रह सकें। तो यहाँ ये हो रहा है कि यहाँ पर तोहमत लगाया जाता है, जैसे बीजेपी तोहमत लगा रही है, बीजेपी जैसे तोहमत लगा रही है कि कांग्रेस क्या किया और सरकार चला रही है और अपने कुछ नहीं कर रही है, वैसी टीएमसी तोहमत लगा रही है कि 35 साल में सीपीएम ने क्या किया, इंक्रोचमेंट पे सीपीएम ने क्या किया, ये वाटर लॉगिंग में सीपीएम ने क्या किया, ये सीवरेज लाइन जो 100 करोड़ 50 करोड़ का ये सीवरेज लाइन जो बना है वो जीडी रोड से लेकर एकदम दलाल पुकुर तक वो फ्लॉप है, वो सीवरेज लाइन ख़त्म है, वो मनी वेस्ट हो चुका है। तो ये सब मामला था, तो आप अगर वो ख़राब किया तो आप अच्छा कीजिए। हम लोग सरकार से, हम लोग पब्लिक हैं, हम लोग जनता हैं, हम लोग सरकार से अच्छा काम चाहते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं कोई भी सरकार आ जाए जी। लेकिन आपने कल जो मीटिंग हुई उसमें कहा गया कि यहाँ एक मास्टर प्लान पे काम हो रहा है, दूसरी तरफ ये भी कहा गया कि कटाई नालों की कटाई का काम शुरू कर दिया गया, उसके अलावा एक बाईपास में एक बड़ा ड्रेन है जो 12 फीट का है उसमें भी 75% कटाई का काम हो गया और जो इंक्रोचमेंट था उसको भी ख़त्म कर दिया गया। तो आपको लगता नहीं है काम हो रहा है? कहा जा रहा है कि फंड नहीं है जिसकी वजह से काम नहीं हो रहा, और दूसरी तरफ जो मसला है वो ये कि अगर कोई यहाँ काम करने आता है तो उनको घरों के ऊपर से बच्चों का पाखाना और गर्म पानी वगैरह फेंक दिया जाता है, दूसरी तरफ नाला के ऊपर इतने चटाल बन गए हैं कि नाले की सफाई नहीं हो रही, तो ये भी एक मसला है। और दूसरी तरफ ये भी बात है कि जो लोग घरों से निकल के वो प्लास्टिक करके भेज दे रहे हैं, फेंक दे रहे हैं नाले में, तो उससे भी एक जाम हो रहा है, तो इस ये भी एक मसला है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए फंड नहीं आ रहा बोलने से नहीं चलेगा ना, फंड आ रहा या नहीं आ रहा है ये पब्लिक नहीं जानेगी, पब्लिक को बताया भी नहीं जाएगा, दिस इज़ वेरी कॉन्फिडेंशियल मैटर। फंड अभी तो कल हम लोगों ने सुना है फेसबुक के ज़रिए, हम लोगों ने सुना है कल की मीटिंग के बारे में कि 4 करोड़ का वो एक बजट है जिसके वजह से काम हो रहा है मास्टर प्लान पे, तो फंड है। टैक्स का पैसा,
लाइसेंस का पैसा, ये सब पैसा कहाँ जा रहा है? पब्लिक टैक्स तो रुका हुआ नहीं है कॉरपोरेशन में। ऐसा नहीं है कि ये वार्ड दो वार्ड पैसा नहीं दे रहा है, बाकी सब वार्ड दे रहा है। पंचनतला का आप काम देखिएगा, जो आपको अभी मैंने रिकॉर्डिंग दिखाया है, पंचनतला में जो रोड जिस तरीके से इतना शानदार रोड बन रहा है, वहाँ पैसा तो लग रहा है ना। 7 नंबर 9 नंबर का अभी आप मेरे पास 200 हज़ारों फोटो ऐसा है जिसमें काम हो रहा है, हज़ारों स्टाफ लगे हुए हैं, लेबर लगे हुए हैं, वहाँ काम हो रहा है ना। अगल बगल सब जगह काम हो रहा है। 17 नंबर वार्ड बीजेपी का वहाँ चमकाया हुआ है, सब जगह काम होके है। यहाँ डंप क्यों किया गया है? यहाँ का काम को निगलेंस क्यों किया गया? यहाँ पर कोई जिम्मेदार खड़े होकर काम क्यों नहीं करा रहा है? समझ रहे हैं बात? तो मामला यही है कि काम को डिस्क्रिमिनेशन क्यों माइनॉरिटीज़ एरिया में, मुस्लिम एरियाज़ में क्यों डिस्क्रिमिनेशन? यहाँ काम की नेग्लिजेंसी क्यों? और सब जगह काम होता है, हो रहा है, वहाँ पर फंड वहाँ लगाया जा रहा है, यहाँ फंड लगाया जा रहा है। यहाँ तो मेरे पास आपके पास पूरा एविडेंस है। आज तो फेसबुक खोलिए आप, 15 नंबर वार्ड अनूप चक्रवर्ती का रोज़ काम हो रहा है, एक्स काउंसलर करा रहा है, रोज़ हज़ारों फोटो आ रहा है। अनूप चक्रवर्ती साहब रोज़ काम, डाकूदा जी जो बोर्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव बोर्ड के मेंबर हैं वो काम करवा रहे हैं, और भी अखिल अहमद वो काम करवा रहे हैं अपने वार्ड में, और इधर 7 नंबर 9 नंबर में काम हो रहा है, वो बगल वार्ड कब्रस्तान वाला वार्ड के वहाँ पर पाइप का काम हो रहा है, पंचनतला रोड में काम हो रहा है, सब तरफ का काम हो रहा है। तो अब होगा क्या कि ऊपर का फ्लो का वाटर हमारा जो हम ये कुआँ बना दिया गया टिकियापाड़ा को, और यहाँ पर स्टोर ऑफ वाटर, स्टोरेज ऑफ रेन वाटर फ्रॉम अदर वार्ड्स, इसको बना दिया गया कि यहाँ पर दूसरे वार्ड का पानी आके 2-3 दिन जमा रहेगा और दूसरे वार्ड चमकते रहेंगे। इन लोग हमेशा जैसे रहता है, आपस में लड़ते रहे, इन लोगों को काम नहीं चाहिए, और इन लोगों को वोट लेने का मतलब है, इन लोगों को वोट देगा, ये वोट देगा बीजेपी के डर से, इन लोग वोट देगा तो काम जरूरी नहीं, इन लोगों को बस ऐसे डराते रहिए, वोट मिलता रहेगा। तो मतलब आपका कहना है कि यहाँ पर वो काम नहीं करेंगे, ये काम नहीं करेंगे। आप काम करेंगे या काम नहीं करेंगे ये तो उन लोगों के ऊपर है। अब उन लोग का एक रिकॉर्डिंग आया आज मेरे पास एक रिकॉर्डिंग आया, जो रिकॉर्डिंग शायद मछली अट्टा बाजार में भी चला था कि टिकियापाड़ा के लोग अपने घर से गू फेंक दे रहे हैं, अपने घर से गंदगी फेंक रहे हैं, अपने घर से थूक दे रहे हैं, किसके ऊपर? लेबर के ऊपर। दिस इज पॉसिबल? ये तो झूठ बात है ना, ये गलत बात है। ये कॉन्ट्रैक्टर कोई नेता को बोल रहा है या कोई मिनिस्टर साहब को बोल रहा है कि देखो ना एरको मामी काज करते पारबो ना, खूब डिस्टर्बेंस होचे, ये तो बहानाबाजी है। आप क्यों नहीं, आप वहाँ के रिप्रेजेंटेटिव या कोई लीडर्स को ये कंप्लेन किए, रिटर्न क्यों नहीं किए? आप रिकॉर्डेड आप एक बयान दे रहे हैं जो फॉल्स, जो टिकिया पड़ावा में होता ही नहीं है ऐसा। कोई काम करेगा, कोई किसी को डिस्टर्ब करेगा, आमी नोदमय काज करते पारबो ना, हमारे लेबर खूब, तो आपके लेबर को डिप्यूट किया गया है मछली पकड़ने के लिए, आपके लेबर को गंदगी उठाने के लिए डिप्यूट किया गया है, आपको उसी लिए नौकरी, उसी लिए कॉर्पोरेशन दिया कि आपका स्टाफ, आपका वो कंजर्वेंसी काम करे, तो कंजर्वेंसी में गंदगी तो आएगी, है ना। तो आप स्टाफ बन जाइए कॉर्पोरेशन में, आप कागज़ कलम के लायक बन जाइए, अगर आप नाली में नहीं उतरिएगा तो। टिकियापाड़ा में नाली में उतरने में आपको ये परेशानी हो रहा है, ये रिकॉर्डिंग है, ये रिकॉर्डिंग आप सुन लीजिए। বলছি 20 নম্বর ওয়ার্ডে তো এক তো কোনো পজিশন নেই মাল লাগা, ঠিক আছে, চারিদিকে বিল্ডিং, চারিদিকে মানে কি মানে একদম সোয়ারে যে লাইন ডাইরেক্ট একদম ড্রেনে ফেলা, মানে লোকে কাজ করছে 40 ভাসছে গা দিয়ে, আর দ্বিতীয়ত যখন কাজ করছি আমরা বাঁধ দিয়ে যখন কেটে কেটে কাজ করছি সেইখানে ঘর থেকে কেউ মানে থুতু ফেলছে, কেউ গরম ফ্যান ফেলছে, নোংরা ফেলছে, সেগুলো সব আমাদের লেবারদের গায়ে পড়ছে। লেবাররা বলছে আমরা এইভাবে কাজ করতে পারবো না, আমরা কাজ বন্ধ করে দেবো। তো আগে এই লেবার নেই কাম করে, আমরা তো মানুষ ইয়ে হ্যাঁ বলিয়ে, তো কাম তো করনা হোগা না, কোই না ইয়ে নেই কর পারে তো কোই অর করে। ইয়ে তো আপকি জিম্মেদারি হ্যায়, আপ কিসি তরিকা সে ভি বাই হুক এন্ড ক্রুক আপ কাম করওয়ায়ে, হ্যায় না। अब आप बोल रहे कि प्लास्टिक आप लोग यूज़ नहीं करो, प्लास्टिक बैन करना आपकी जिम्मेदारी है, प्लास्टिक मार्केट में आएगा, दुकान में आएगा तो हम लोग तो यूज़ करेंगे, इनक्रोचमेंट आपकी जिम्मेदारी है। आप नाला में फेंकते हैं, नाला में फेंकते हैं तो आप वैसा मुहैया, आप जगह जगह बड़ा बड़ा डस्टबिन आप बनाएं, आप कॉन्क्रीट ऐसा डस्टबिन है कि कुत्ता गिरा देता है रात को, ये ऐसा डस्टबिन है, ये तो आधा माल बाहर फेंका रहता है। आप दिखाई ना पूरे इलाका में, आप घूम के दिखाई कि एक कॉन्क्रीट डस्टबिन है जो खोले और वहाँ से कूड़ा लेकर निकाल के ले जाए, कहीं नहीं है। आप जामा मस्जिद गली में घुस जाइए, पूरे रास्ते में कूड़ा है, डस्टबिन इतना छोटा और आबादी बड़ा है, जगह छोटा हो गया है, तो ये सब चीज़ आपको देखना पड़ेगा ना, ये कौन ख्याल करेगा? हमारा अच्छा बुरा आप ही को ख्याल करना है, इसलिए कि वी आर अ टैक्स पेयर, वी आर ए वोटर एंड वी हैव गिवन यू मैक्सिमम वोट, हम आप दो टर्म्स आपको जिताए। ये तो खुशकिस्मती है कि आप सूखा में फिर आए, आप लास्ट टाइम सूखा में आए थे, फिर सूखा में आए आप वाटर लॉगिंग में, आप जब लॉग हो जाए पानी, 10 दिन का पानी, 8 दिन का पानी, यहाँ काला पानी हो जाए, महकने वाला पानी, उसमें आके आप दिखा दीजिए। आप तो दूसरे वार्ड में जाते हैं, आप चेक करते हैं, आपको पानी में देखा गया है, मगर इस वार्ड में आपको नहीं देखा गया है, इसलिए कि इस वार्ड में क्यों नहीं देखा जाता है? इस वार्ड में जानते हैं कि हमको वोट मिलेगा, जो कर लो,
माइनॉरिटीज एरिया का वोट हमको मिलेगा बाई हुक एंड क्रूक, दूसरे तरीके से मिलेगा, और दूसरे जगह में तो हमको काम नहीं दिखाएंगे तो वोट नहीं मिलेगा। तो आप इसका मतलब ये हो गया कि अरूप राय ने जिस तरह से कल ऐलान किया मास्टर प्लान का, और जो चेयरमैन है कहा कि काम शुरू है 75, उस पर आप शक कर रहे हैं? नहीं नहीं, शक की कोई गुंजाइश ही नहीं है। उन लोगों ने जो कहा बहुत अच्छा बात है, मास्टर प्लान, बिना मास्टर प्लान का कोई काम नहीं होता। फिराद हकीम साहब 2008 या 2009 में बाईपास में आके बोले थे कि मास्टर प्लान तोरी होच्चे, आज हो गया 2022, वेयर इज़ द मास्टर प्लान। 2008 या 2011 में ऐसी आया था, 2011 के बाद 2022, इट्स लॉन्ग ईयर, 10 साल आपका कंट्रीब्यूशन क्या है ये बता दीजिए आप, आपका कंट्रीब्यूशन क्या है ये बताइए आप इलाके के लिए। आप ये बताइए कि पहले हम लोगों ने आपसे आने वाली सरकार, आपसे आगे वाली सरकार से हम लोगों ने देखा है कि 35 से 40 करोड़ का एक बजट का काम सेवरेज का हुआ, फ्लॉप हो गया, आप उसको सक्सेस कर दीजिए। आप ये बताइए 2011 के बाद 2022 तक 1 करोड़ का भी प्रोजेक्ट आप टिकिया पाड़ा वालों को दिए हैं? यहाँ पर कोई भी एक फंडिंग MLA का, MP का, किसी भी चीज़ का 25 लाख का भी एक आप दिखा दीजिए अमाउंट जिसपे काम हुआ है। एक लाइब्रेरी था, वाहिद एक लाइब्रेरी था पूरे हौड़ा में, AC लाइब्रेरी, उसको ख़त्म कर दिया गया है, खत्म, कुछ नहीं, उस पर कोई काम नहीं हो रहा। उसका पैसा आता है स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से अलॉट किया हुआ है, उसका स्टाफ 50,000 रुपये महीना अभी बैठ के कमाता है, लाइब्रेरियन, ना लाइब्रेरी खुलता है ना लाइब्रेरी बंद होता है, ना लोग पढ़ने वाले हैं ना किताब का पैसा मिलता ही होगा, मेंटेनेंस का पैसा मिलता होगा, वो सब पैसा का हिसाब कौन देगा? ICDS वो टिकियापाड़ा का हर क्लब में डिप्यूटी हुआ था, वो कहाँ? हेल्थ सेंटर हाजी नगर के आगे में, जहाँ बच्चों के लिए दवा, लेप्रोसी के लिए दवा, ट्यूबरक्लोसिस के लिए दवा, इसका पैसा आता था, इसका पैसा आता है, मेंटेनेंस के लिए स्टाफ है, वो सब पैसा का हिसाब कौन देगा? मिड डे मील का कहाँ खर्चा है? मिड डे मील कहाँ कहाँ होता है किसको पता? प्राइमरी सेकेंडरी के लिए इतनी सारी फैसिलिटीज़ है, माइनॉरिटीज़ के लिए कौन हिसाब लेगा? आप जो हिसाब लेगा वो गलत हो जाए, जो चुपचाप आपको जिंदाबाद बोलते रहे वो सही है, ये तो गलत बात है, आपका राइट है। आर्टिकल 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है कि आपको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड फ्रीडम ऑफ राइट टू स्पीक है, तो हम भी बोलेंगे ये भी मेरा एक्सप्रेशन है, आप बोलिए, आपका पब्लिक जानती है कि कौन सही बोल रहा है कौन गलत बोल रहा है, सबको अपने हक है बोलने के लिए, और सबको राइट है, हम वोट देने का जब राइट है, जब लाइसेंस फी देने का राइट है, टैक्स देने का राइट है, आप हमसे सब चीज़ लेते हैं तो आप हमें फैसिलिटीज़ क्यों कम करेंगे? आप फैसिलिटीज़ नाम में हमको बोलते हैं पैसा नहीं, दूसरे वार्ड में पैसा ही पैसा, क्यों ऐसा? अच्छा, इधर कई दिनों में देखा गया है कि बहुत सारा काम हुआ, रास्ते की मरम्मत भी हुई कि सफाई भी हुई, कई जगह कटाई भी हुई, तो आप किस हिसाब, किस बुनियाद पे कह रहे हैं काम नहीं हो रहा? नहीं, हम तो, मैंने कहा काम नहीं हो रहा, काम जिस तरीका से होना चाहिए एज पर वर्क ऑर्डर, आप वर्क ऑर्डर निकाल के देख लीजिए, जिस तरीका से काम लिखा हुआ है उस तरीका से काम नहीं हो रहा है। आप रास्ता की कटाई और रास्ता की बनाई कहाँ देख रहे हैं आप? बस चिप्पी भराई, वो ईद में एक चिप्पी भराई होता है, हर ईद के आगे एक चिप्पी भर दिया जाता है, ठीक है, बस वही हम लोग के किस्मत में है। आपका आप गड्ढा बहुत जगह दिखिएगा, आप पूरा महल्ला हर इलाका में कुछ आप जगह में काम दिखिएगा, मगर आपको तो पूरा इलाका को आपको ठीक करना पड़ेगा ना, जहां आपका मोस्ट इफेक्टेड एरियाज है, एंड टिकियापाड़ा इज़ द मोस्ट इफेक्टेड एरियाज इन होल हावड़ा, ये सब जगह बदनाम है, कुथा है टिकियापाड़ा जाबो ना, टैक्सी नहीं आएगा, उबेर नहीं आएगा, रेंटेड हाउस कोई नहीं लेता है, लोग परेशान रहते हैं, बाप रे बाप टिकियापाड़ा नहीं जाएंगे, अरे टिकियापाड़ा पानी लगा होगा, ये आप जानते हैं, तो आप भी टिकियापाड़ा में रहते हैं, और टिकियापाड़ा का पानी कितना गंदा होता है, कितना कितना मैला गंदा, और उसमें अगर बारिश हो जाए और गंदगी रहे, फिर आप सोच लीजिए घर से निकलना आपका मुश्किल हो जाता है। चंद महीना पहले ये देखा गया था कि एक्स काउंसलर मोहम्मद सलीम को कि वो बहुत से चटाल वगैरह तोड़वाए थे उनकी क्यादत में, और नाला की सफाई हुई थी, तो उससे क्या कोई मसला हल नहीं हुआ? लास्ट ईयर वो एक 2 से 2.5 लाख रुपया या कुछ ऐसा अमाउंट पास हुआ था, जिस जो इनके अंडर में जो चेयरमैन साहब जिस वक्त अपने अरूप राय साहब चेयरमैन थे, वो इनके अंडर में ये डिप्यूट किया गया था अपने लाला साहब को 19 नंबर वार्ड के लिए और 20 नंबर वार्ड के लिए सलीम साहब को, तो इन लोगों के अंडर जो काम हुआ था, तो वो काम जो हुआ फिर से, असल में वो बहुत छोटा अमाउंट का काम था ना, तो यहाँ छोटा अमाउंट का काम नहीं चलेगा, यहाँ तो बड़े अमाउंट का काम का चलेगा और बड़ा काम चलेगा। या जरा सा नाला हटाई और कुछ 100 चटाल छोड़ के 2-3 चटाल का तोड़ना, तो इससे यहाँ का मसले का हल नहीं है, इसको बड़े पैमाने में इसमें काम करना होगा, बड़े पैमाने में अमाउंट पास होगा, और अभी हमको लगता है कि 19-20-21 के लिए 1,05,000 1 करोड़ के करीब अमाउंट आया हुआ है, तो वो अमाउंट का इनफ, मोर देन इनफ, दिल्ली में तो पैसा बच जा रहा है, केजरीवाल साहब पैसा बचा लेते हैं काम करके, ऑनेस्टली यहाँ पर अगर बिना कमीशन का काम होगा तो आई थिंक काम होगा 70% हम लोग तकलीफ से दूर हो जाएंगे,
जितना तकलीफ हम लोगों को लगता है, 1 करोड़ रुपए पास हुआ, 1 करोड़ के 4 करोड़ का काम हो रहा है ना भाई। वो चेयरमैन साहब बताएं कि मास्टर प्लान का 4 करोड़, अब देखिए काफी 4 करोड़ इस मोर मोर दिन, अब ये काम चाहे तो आदमी करा सकता है। आप सही लोग लगा दें, सही आदमी और सही कॉन्ट्रैक्टर रहे और सही ऑनेस्टी से काम हो तो बहुत पैसा ये और पैसा है। और आपके नज़दीक कुछ क्या सुझाव है कि इस वाटर लॉगिंग को हल कर किया जा सकता है? देखिए ऐसा है कि मेरी जो पर्सनल कोशिश है, इसलिए कि देखिए हर हर पब्लिक, हर सिटीजन को राइट है, जो पढ़े लिखे लोग हैं, बाशऊर लोग हैं समाज में, उनको आगे बढ़ के समाज का हेल्प करना चाहिए। और ये वाटर लॉगिंग सबसे ख़राब मुद्दा है और सबसे तकलीफदेह मुद्दा है। अगर इस पर काम करके इसको अगर सक्सेस किया जाए तो ये बहुत ये सवाब खैर है, ये बहुत बड़ा सवाब का एक जरिया समझ के हमने इस काम को लेकर आगे बढ़ा है। और तकरीबन 1.5 साल से हमने हर डिपार्टमेंट को लेटर दिया, कहीं जाके, कहीं ऑफिस में, कहीं डिपार्टमेंट में, कहीं टैक्स का लेकर। तो ये देखिए तकरीबन 40 से 42 लेटर हर जगह, 40 से 42 लेटर हर डिपार्टमेंट में, एक एक लेटर आप हर जगह, कहीं रजिस्ट्री करके, कहीं खुद ऑफिस में जाके, कहीं करके, ये ऑफिशियली एंड लीगली हमने काम किया। ऑफिशियली एंड लीगली काम, ये यही तरीका, दिस इज़ द प्रोसेस। आप ये काम, अब कोई बोले कि अरे जाके कॉरपोरेशन में स्टाम्प मार के आ जाते हो, तो हर चीज़ के लिए स्टाम्प लगता है और हर एप्लीकेशन के लिए और हर काम के लिए एप्लीकेशन लगता है। आपका पर्सनल काम होगा अगर फंडिंग का, अलॉटमेंट का, बच्चों का इसका, या कोई लोन आ रहा है, या कोई कहीं पर फैसिलिटीज़ लेना है, सब जगह आपको लेटर ले देना पड़ेगा। या स्वास्थ्य अधिकार के लिए आपको लेटर लिखना पड़ेगा, उस पर काम होगा। कॉरपोरेशन में भी लेटर लिखना पड़ेगा, उस पर वर्क ऑर्डर होगा, उस पर फाइल नंबर पड़ता है। तो मेरे कई लेटर में फाइल नंबर पड़े हुए हैं, आप लोग गो एंड चेक देयर। और RTI जितना मैंने किया सबका जवाब आया, और कुछ जवाब से मैं सेटिस्फाई हूँ, कुछ से सेटिस्फाई नहीं हूँ, तो ये RTI के भी जवाब मेरे पास आता है। मैंने कंजर्वेंसी डिपार्टमेंट में जाकर मिला, मैं कंजर्वेंसी डिपार्टमेंट में मिनल बाबू से मिला, मैं एग्जीक्यूटिव इंजीनियर भाजो बाबू से मिला, मैं गौतम नाग रोड डिपार्टमेंट से मिला, मैं अभी जो 66 वार्ड के इंचार्ज हैं वो उनका नाम है बापी मन्ना साहब, उनसे बात किया, वो बोले कि आप व्हाट्सएप में हमको वो नाली भेजिए जहाँ का काम आपका नहीं हो रहा, तो बहुत अच्छा से उन्होंने बात किया। तो ये दिस इज ऑल द कॉरपोरेशन, अगर वो सारे लोग मिलकर काम करें तो बहुत अच्छा है। कॉरपोरेशन एक ऑटोनोमस बॉडी है, ये कोई CPM कांग्रेस TMC BJP पार्टी नहीं का ये बैरक नहीं है, ये ऑटोनोमस बॉडी है। आप वहाँ पर आप अपना काम करवा सकते हैं, कर सकते हैं फेयरली, अगर आप लगे रहिएगा। देखिए माँ भी बच्चों को दूध पिलाती है उसी वक्त जब बच्चा रोता है, बच्चा हंसता रहेगा खेलता रहेगा तो माँ को परवाह नहीं है, माँ अपना काम करती रहेगी। तो इसीलिए आप अपना काम लेना सीखिए, आपको लेना पड़ेगा, आपको छीनना पड़ेगा, आपका राइट है। हम सब चीज़ हम चुप खामोश रहेंगे तो हमको कोई कुछ नहीं फैसिलिटी मिलेगा। आज बंगाली एरिया में देखिए आप, सिर्फ लेटर से होता है, सिर्फ कलम और दिमाग और तालीम से होता है। और हम लोग के यहाँ जो तालीम याफ्ता है, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो कलम से काम कर रहा है, उसको बदनाम कर दिया जाता है, हैं। और बाकी आप लोग बस एक मंडप लगा दिए, स्टेज लगा दिए, रैली कर दिए, दो एक दिन रैली हो रहा है, एक दिन स्टेज लग रहा है, एक दिन इससे। अरे पहले करतब लिखतब करतब फिर बकतब, बकतब बाद में, पहले बकतब करिएगा तो करतब लिखतब कहाँ होगा। करतब का चलता है पहले, हर जगह करतब चलेगा। आप किए क्या, आपने लिखा क्या, कहीं पर बात होगा तो आपने लिखा, ये आपने बोला था, आपने मुझे लेटर से लिखा था, कोई नहीं बोलेगा कि आप हमको आके बोले, आप जो बोलेगा कि आपने लेटर दीजिए ना अपनी। तो ये लेटर का काम सब जगह, आपको सबसे अच्छी बात बता दें कि चेयरमैन साहब ने एक बात बोला कि ये बहुत बड़े डिपार्टमेंट जो है वेबकॉस कंपनी को दिया गया है पूरा इंचार्ज, ये ड्रेनेज का काम वेबकॉस कंपनी को मैंने लेटर लिखा था, उस वक्त जिस वक्त इंजीनियर साहब को और कंजर्वेंसी डिपार्टमेंट को मैंने लेटर लिखा, वहाँ से जवाब मिला कि मेरा हम लोग का ये डिपार्टमेंट में काम नहीं हो रहा, ये काम बहुत बड़े लेवल में हो रहा, तो वो ये कंपनी कर रही है। मैंने उस कंपनी को नेट में उस कंपनी का एड्रेस निकाला, उस कंपनी को मैंने लेटर लिखा, और ये देखिए अपने लेटर पैड में, वेबकॉस के लेटर पैड में टू मोहम्मद आरिफ, ये देखिए वेबकॉस जो सबसे बड़ी कंपनी है जो हावड़ा में काम कर रही है, उसके लेटर पैड में मुझे जवाब आया है। शायद ही किसी के पास ये जवाब नहीं आया होगा, ना ही कोई इसको लेटर लिखा होगा, ये जवाब आया है कि आपको हम विथ रेफरेंस टू योर लेटर इट इज़ इन्फॉर्म दैट कॉन्ट्रैक्चुअली वी आर बाउंड टू डिस्कस ऑल इश्यूज रिलेटेड टू ड्रेनेज मास्टर प्लान ऑफ हावड़ा ओनली विद द एम्प्लॉयर दैट इज़ हावड़ा म्यूनसिपल कॉरपोरेशन। मानी ये शेयर हम सिर्फ हावड़ा म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के एम्प्लॉयर के साथ, अथॉरिटीज़ के साथ शेयर करेंगे। वी रिग्रेट, हम आपके साथ माफ़ी चाहते हैं कि हम आपके साथ ये शेयर नहीं करेंगे।
जाएंगे। तो ये अच्छा जवाब आया, ठीक है, ये आई एम सेटिस्फाइड विद दिस। हमको पता चला ना, उन लोगों को पता चला कि कोई लगा हुआ है, तो वेबकॉस कंपनी से एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का फोन भी आया कि अरे भाई कोई एक फोन का लेटर के जरिए ऐसा ऐसा कर रहा है। तो वो हमको एग्जीक्यूटिव में बताए भी कि आपका बात चर्चा हुआ था इस बारे में। तो सब जगह आप लेटर दीजिएगा ना, तो आपको आप एडमिनिस्ट्रेशन को जगाते रहिएगा। आप उनको से काम लेने के लिए आपको उनका पीछे पड़ना पड़ेगा। ये ऐसा नहीं है कि पार्टी कोई काम करा देगी, आपको लगे रहना पड़ेगा, नहीं तो कोई 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 काम आने वाला नहीं है। सब अपने लिए सिर्फ सोचता है, सब बैठा रहता है, आपको काम कराना पड़ेगा अपने एरिया के लिए। और ये काम सबको सबकी जिम्मेदारी है, सफाई की भी जिम्मेदारी है, सब अपने अपने। देखिए, कूड़ा सही जगह फेंके उसके लिए सही जगह बनना चाहिए, नाला ढकना चाहिए, सब ओपन है तो नाला में फेंक दिया जाता है। ऊपर से कितना अवेयरनेस प्रोग्राम हो रहा है, अच्छी बात है, अवेयरनेस का प्रोग्राम चल रहा है कि आप ऊपर से कूड़ा ना फेंके, ये फेंके। ये लास्ट टाइम भी पूरा हम लोगों ने वॉइस ऑफ टिकिया पाड़ा के बैनर से हम लोगों ने सर्कुलेट किया था ऑटो के जरिए, आप लोग यहाँ से कूड़ा ना फेंके, वो ना फेंके। CPM भी किया था, TNC भी किया, CPM 6 महीना आगे एक रोड प्रोग्राम किया था, 2-3 दिन का क्लीननेस प्रोग्राम। तो हर पार्टी ऐसे करती है, मगर सबको लगे रहना पड़ेगा, तभी प्रॉब्लम इतना बड़ा सॉल्व होगा। नहीं तो अगर बैठे रह जाइएगा तो कुछ नहीं होगा, फिर हर महीना हर साल आपको यही तकलीफ का सामना करना पड़ेगा अगर आप नहीं लगे रहे तो। जी, तो आपको उम्मीद है इस बार क्या वो हल हो जाएगा या? देखिए, बड़े काम के लिए बड़ा पैसा जो है, जैसे बताया कि 500,000 करोड़ का हम लोगों ने लोन सैंक्शन के लिए फॉरेन का ये मामला है, मास्टर प्लान हम लोग दिखाया, वहाँ से ये होगा वो होगा। तो ये सब चीज़ अगर हुआ तो फिर आस्ते आस्ते, देखिए हम लोग अभी से नहीं लगे रहिएगा तो आप काम नहीं होगा। एक साल हम लोग को गारंटी देखना पड़ेगा ना, हम लोग इतने दिन परेशान थे, हम लोग गारंटी, ठीक है अगले साल होगा, ये साल होगा, तो अभी क्यों मास्टर प्लान, अभी क्यों ये लोन सैंक्शन, 10 साल आगे क्यों नहीं, 2011 से सरकार बनी, 12 में क्यों नहीं, 13 में क्यों नहीं, 14 में क्यों नहीं, 15 में क्यों नहीं? ये तो जवाब आपको देना पड़ेगा ना, व्हेन यू आर ऑन द सीट, हॉट सीट। लेकिन यहाँ कई वर्षों से बोर्ड नहीं है किसी पार्टी का, ये किसकी गलती है? ये आवाम की गलती है, ये आवाम की तो गलती नहीं है। बोर्ड किसकी, बोर्ड रूलिंग पार्टी की जिम्मेदारी है कि बोर्ड बने या नहीं बने। कलकत्ता में बोर्ड बन चुका, पूरे बंगाल में बोर्ड बन चुका, हावड़ा को डिप्राइव क्यों किया जा रहा है? क्यों? हावड़ा बस्ती है, हावड़ा में गरीब लोग रहते हैं, हावड़ा डंप एरिया है, इसलिए हावड़ा को देखा नहीं जा रहा है, निगलेक्ट किया जा रहा है। हावड़ा में कोई गार्जियन नहीं है, हर काउंसलर गार्जियन होता है, तो हावड़ा में आप गार्जियन नहीं रखे आप अभी तक, क्यों आप लोग विदाउट वोट यहाँ चला रहे हैं बस, और सब चुप है, कोई बोल रहा भी नहीं। ये पूरा इलाका आप बताइए ना, बीजेपी सर चढ़ के क्यों बोल रही है? आपकी नाकामी की वजह से, करप्शन के वजह से। करप्शन आप बताइए, यहाँ से लेकर कलकत्ता तक कितने लोग करप्शन में पकड़ा रहे हैं, हैं तो कितने काम आप कीजिएगा तो आपका कुछ नहीं होगा। पहले हम लोग जीरो में देखते थे बीजेपी को, किस लिए? बीजेपी जीरो था ना, अभी हम लोग बीजेपी को कहाँ से कहाँ देख लिए। तो आपको तो चुस्त फुस्त रहना पड़ेगा ना, मायावती का वोट लेते हैं, हम लोग ने वोट दिया, तो ये काम आपको करना पड़ेगा। नहीं काम करेंगे तो हम लोग बोलेंगे, आप सोचिएगा, बोले भी नहीं, खामोश रहो, चुपचाप रहो, जाब कोरबो तो वहाँ के साजो करते हुए। तो हम लोग जैसे लोग तो बेयर नहीं करेंगे, बर्दाश्त नहीं करेंगे एकदम। सोल्यूशन मेरे हिसाब से सोल्यूशन अभी जो है, आप कम बजट में आप सोल्यूशन ये निकाल दें कि जो सीवरेज लाइन टिकियापाड़ा में विलेज रोड के नीचे से है, उसमें 2-3 लाइन जुड़ चुका है। क्यों जुड़ा है? अगर वो सक्सेस नहीं है तो जुड़ा क्यों? तो आप जब 2-3 लाइन जुड़ सकते हैं तो 10 लाइन जोड़ के उसको देखिए, तो ट्राई कीजिए ना। सक्सेस नहीं होगा तो बोल दीजिएगा सक्सेस नहीं है, सक्सेस होगा तो वेरी गुड, आप उस पर काम करेंगे। तो जिस वक्त वो काम हुआ था तो वो CPM का काम क्यों होगा? वो तो कॉरपोरेशन काम कराया, वही कॉरपोरेशन आपके साथ अभी भी है, वही कॉरपोरेशन उसके साथ भी है, इंजीनियर उसी वक्त भी वो इंजीनियर था, इस वक्त भी इंजीनियर है। तो काम आप देखिए ना कहाँ कहाँ। दूसरा चीज़ है, पंपिंग स्टेशन के लिए मैंने सैकड़ों लेटर लिखा। तो लाइन जोड़ने से क्या है, पानी उसमें चला जाएगा, वो पानी उसमें जाएगा और उसको सकिंग करके आप कहीं भी दे सकते हैं। वेयर इज़ द विल देयर इज़ ए वे, आप कोशिश कीजिए ना, हो जाएगा। कोशिश करना पड़ेगा ना, कहीं भी उसका तो रास्ता निकालना पड़ेगा ना, कि आप खामोश रह के बदनाम कर दीजिएगा, बदनाम करने से कुछ नहीं होगा। अरे वो क्लोज डोर करप्शन करता था, आप ओपन करप्शन कर रहे हैं, ये तो सबको मालूम है। वो भी मुस्लिम और माइनॉरिटीज वोट को मिसयूज़ बहुत किया, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत किया, बेरोजगारी बहुत हुआ। इस वक्त भी आपका परसेंटेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट क्या है? बहुत ज़्यादा है। इस परसेंटेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट आप क्या दे रहे हैं? क्या नौकरी के नाम पे कुछ नहीं है, उर्दू के नाम पे क्या है कुछ नहीं है, पर्दा के नाम पे यहाँ पर ऑब्जेक्शन हुआ, बुरखा के नाम पे ऑब्जेक्शन हुआ, नौकरी के नाम पे यहाँ पर एक को रिजेक्ट किया गया, ये सब मसला तो यहाँ भी उठ रहा है। वाई जब इतना हम लोग आज़ाद हैं, इतने हम लोग आपको भरोसा किए हैं, और हम लोग बदनाम भी हैं, और आप भी हम लोग के वैसे बदनाम हो रही हैं, तो फिर तो आपको तो काम वैसा करना चाहिए जिससे सारे लोग खुश हो। एक तबका को आप खुश मत कीजिए, एक तबका खुश कीजिएगा तो एक तबका डिप्राइव हो रहा है। हम नहीं चाह रहे कि वो तबका डिप्राइव होकर बीजेपी करे, आप उनको भी अच्छा देखिए,
आप जैसा देख रही हैं सबको अच्छा देखिए, मैक्सिमम मेजोरिटी को जो देख रही है मेजोरिटी के हिसाब से देखिए, माइनॉरिटी को देख रही है तो माइनॉरिटी के हिसाब से देखिए। हम ये नहीं चाह रहे कि हमको 10% का हमको नौकरी दे दीजिए, हमको 20% दे दीजिए, 30% दे दीजिए। जो आपने अलॉटमेंट किया, जो वादा किया, जिसके वजह से आप लोगों ने वोट लिया, कम से कम उतना दीजिए ना। 0% आपका एम्प्लॉयमेंट रेशियो है, कोई बोलने वाला नहीं है, जो बोलेगा, किसी का हिम्मत नहीं बोलने का। इसके लिए हिम्मत चाहिए, इसके लिए तालीम चाहिए, कलम चाहिए, दिमाग चाहिए, है ना, ईमानदारी चाहिए, सिंसियरिटी चाहिए, और चापलूसी नहीं। चापलूसी क्यों करेंगे हम आपका, और किसी का भी क्यों करेंगे, किसी पार्टी का चापलूसी क्यों करेंगे हम? इसलिए कि आई एम ए वोटर, आई एम ए सिटीजन, आई एम एन एजुकेटेड पर्सन, आई कैन लीड, वी ऑल कैन लीड। हम लोग सोसाइटी को चला सकते हैं। अगर हम लोग नहीं चलाएंगे तो फिर हमारी नस्ल क्या देखेंगे? हम लोग अपने बच्चों को पढ़ाना छोड़ देंगे तब? अब पढ़े लिखे लोगों को आप साथ नहीं दीजिएगा तो हम अपने बच्चों को जो पढ़ा रहे हैं वो जाहिल बनाए क्यों पढ़ा रहे हैं हम? कि हमसे अच्छा बन जाए, आगे आके कुछ बने, प्रोफेसर बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, कॉर्पोरेशन में जाए, करा रहे ना। अगर आप पढ़े लिखे लोगों का साथ नहीं दीजिएगा तो फिर हम अपने बच्चों का फ्यूचर डार्क कर रहे हैं। तो इसलिए जो पढ़ा, जो आदमी, जो लोग इसमें काम कर रहे हैं उसको काम करने दिया जाए, ऑनेस्टली उसका पीछे ही बढ़िया। आपको तो खुश होना चाहिए कि इलाके के लिए काम हो रहा है ना। एक तरीका से हम किसी को बिना डिस्टर्ब किए हम अपना काम कर रहे हैं, अपना पैसा खर्चा कर रहे हैं, ड्राफ्टिंग अपने करते हैं, टाइप अपने करवाते हैं, पोस्टिंग अपने करते हैं, पैसा अपना खर्चा करते हैं, जाते हैं हम खुद, हर डिपार्टमेंट में हम जा चुके हैं। ऐसा नहीं कि बैठ के हम प्ले बॉय गेम खेल लें, है ना। तो हम किसी को डिस्टर्ब तो नहीं कर रहे हैं, आप अपना काम कीजिए ना, वेरी गुड, किसी के जरिए काम हो, मगर इलाका का काम होना चाहिए और डेवलपमेंट का काम होना चाहिए। वाटर लॉगिंग का प्रॉब्लम जो सबसे बड़ा मसला है, हम चाहते हैं कि ये गवर्नमेंट इसको मसले का हल ज़्यादा से ज़्यादा और जल्द से जल्द इसको करे। बहुत शुक्रिया आरिफ साहब हमारे साथ बातचीत करने के लिए। इन्होंने कई मसला उठाया है, जैसे लाइब्रेरी का एक मसला था, मिड डे मील का मसला, ICDS का है, कॉरपोरेशन का, क्लिनिक का मसला है, ये भी तमाम मसला है। लेकिन इस तमाम मसलों में सबसे बड़ा मसला है वो वाटर लॉगिंग का, और इसके लिए वो लगातार गुज़रा कई वर्षों से काम कर रहे हैं, और इन्होंने पूरा सारा का सारा डिपार्टमेंट छान मारा है, लेकिन उसका नतीजा फिलहाल थोड़ा थोड़ा देखने को मिल रहा है। हो सकता है आगे चल के इनकी जो तहरीक है, तना ही इन्होंने ये काम सारा किया है, इनके पीछे ना कोई बड़ी तंजीम है ना कोई है, कुछ लोग हैं, कुछ दोस्त हैं, साथी हैं जो इनके साथ मिलकर काम कर रहे हैं, और इनका ही नतीजा है, यही नतीजा है, इनकी कोशिशों का नतीजा है कि थोड़ा बहुत भी जो भी काम हो रहा है वो देखने को मिल रहा है। और उम्मीद की जा रही है कि हो सकता है अगला जो साथ हो उसमें कम पानी रहे। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़े रहने, बातचीत करने के लिए। दूसरे अपडेट के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए शुक्रिया। और आपको वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और दोस्तों को भी दे दीजिए। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।